राजधानी भोपाल में जिला महिला कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए इसे महिला विरोधी पार्टी बताया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भोपाल में जिला महिला कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर की महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुई। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं दिग्विजय सिंह ने महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा महिला आरक्षण का वादा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन दूसरी पार्टियों के चलते पूरा नहीं हो पा रहा। वहीं दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर भाजपा पर हमला करते हुए महिला विरोधी पार्टी करार दिया। भाजपा तो महिला विरोधी है, आपने देख लिया। मोदी जी की खुद की हरकत देख ली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एफएम भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या हमें जिस तरह से हमने प्रांत में सरकार बदल दी, उसी तरीके से दिल्ली में सरकार बदलनी है कि नहीं बदलनी है? जो चाहती है कि दिल्ली में सरकार बदले, अपना हाथ उठाइए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जिन्हें लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील की गई। INC 24 न्यूज के लिए भोपाल से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।